नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है हर्षित गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टैटिक जीके एंड जीएस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर की। दोस्तों, इस वीडियो में ना केवल हम हेडक्वार्टर बल्कि उनकी फुल फॉर्म, फॉर्मेशन, हेड प्रेसिडेंट, सीईओ फंक्शन, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो के अंत में मैंने आपके लिए छोटा सा टेस्ट रखा है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है। तो दोस्तों, चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला सवाल है नासा। नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की फॉर्मेशन हुई थी 29 जुलाई 1958 को और इसका हेडक्वार्टर है यूएसए के वाशिंगटन डीसी में। दोस्तों, कई बार एग्जाम में यह भी पूछ लेता है कि नासा के करेंट टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटर कौन है। तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नासा के करेंट टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिम ब्रेडस्टिन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा WHO। WHO की फुल फॉर्म है, आपको भी पता होगी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 7th अप्रैल 1948 को और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। दोस्तों, ये जो UN से रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उसके बारे में आप जो भी ये हेडक्वार्टर फॉर्मेशन फुल फॉर्म है ये आप जरूर याद रख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में जनरली इन्हीं से संबंधित प्रश्न आता है। और भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, एक सवाल आता है एग्जाम में कि जो WHO के हैं करेंट टाइम पे हेड कौन है। तो इस समय WHO करेंट टाइम पे हेड हैं टेड्रोस अधानोम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ICC। ICC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और इसका फॉर्मेशन हुआ था 15 जून 1909 में और इसका हेडक्वार्टर है दुबई, UAE में। UAE यानी यूनाइटेड अरब इमीरात। ICC एक संस्था है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे होने वाली क्रिकेट की संचालन यही करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिसेफ। यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे कई बच्चों को ये लगता है कि ई का फुल फॉर्म नहीं है, लेकिन ये चिल्ड्रन में ही से ऐड किया गया है, तो ये थोड़ा आप याद रखिएगा। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 11th दिसंबर 1946 को और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, USA में। दोस्तों, यूनिसेफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि यूनिसेफ के करेंट टाइम पे CEO कौन है। तो यूनिसेफ के करेंट टाइम के CEO है हेनरीटा एच फोरे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन हुआ था जुलाई 1944 में, ये इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा आप याद रख लीजिएगा, जुलाई 1954 को, और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, USA में। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक के इस समय करेंट टाइम के हेड हैं डेविड मालपास, इसे भी आप याद रख लीजिएगा। ISRO भारत की एक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन संस्था है, आप इसे जानते ही हैं। इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु, इंडिया में। ठीक है दोस्तों, और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 15 अगस्त 1969 को और इसके फाउंडर हैं विक्रम साराभाई। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा DRDO। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1958 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछता है कि DRDO की फंक्शन क्या है। तो DRDO की फंक्शन यह है कि भारत की रक्षा से जुड़े या रिसर्च से जुड़े कार्यों के लिए देश की एक अग्रणी संस्था है DRDO। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा RBI। RBI की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1 अप्रैल 1935 को और इसके हेडक्वार्टर है मुंबई, इंडिया में। तो फ्रेंड, एग्जाम में मैं बता दूं, कई बार आता है कि RBI के करेंट टाइम के गवर्नर कौन है। तो इस समय गवर्नर है शक्तिकांत दास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ADB। ADB की फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक और इसकी फॉर्मेशन हुई थी 19 दिसंबर 1966 को और इसका हेडक्वार्टर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए,
वो है मनीला फिलीपींस। कहाँ? मनीला फिलीपींस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फुल यूएन। यूएन की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन। फॉर्मेशन कब हुई थी? 24th of October 1945। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क यूएसए में। यूएन से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं कि यूएन के समय करेंट टाइम पे सेक्रेटरी जनरल हैं कौन है? एंटोनियो गुटेरस। फ्रेंड्स एक इन्फॉर्मेशन मिस हो गई, वो है कि एडीबी का फंक्शन कई बार एग्जाम में पूछता है, तो मैं बता दूं एडीबी का फंक्शन यह है, यह संस्था अपने सदस्यों द्वारा रीड के माध्यम से और रीड लेने वाले सदस्यों द्वारा वापस किए गए धन के माध्यम से धन उगाही करता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीसीआई। बीसीसीआई क्रिकेट संस्था है इंडिया की। इसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। उसकी फॉर्मेशन हुई थी 1928 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके करेंट टाइम पे हेड है, प्रेसिडेंट है सौरव गांगुली जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th क्वेश्चन इसका नाम है यूनेस्को। यूनेस्को फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा सा लंबा है लेकिन याद रखेंगे। इसका फॉर्मेशन क्या कब हुआ था? 4 नवंबर 1946 को। और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आईओसी। आईओसी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? 23 जून 1894 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लाउशेन स्विट्जरलैंड। ठीक है ओके नेक्स्ट। और ये आईओसी करता क्या है? ये भी जो हम जानते हैं ओलंपिक खेलों के बहुत ही प्रसिद्ध खेल है, उसका संचालन आईओसी द्वारा ही होता है। बस शॉर्ट है, आप याद रखें, छोटा छोटा याद रखें क्योंकि एग्जाम में लेंदी क्वेश्चन तो आता नहीं है क्योंकि ये ऑप्शनल रहता है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा। फीफा का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। ये कई लोगों को इसकी फुल फॉर्म नहीं पता होती है, तो याद रखेंगे इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 21 मई 1904 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एशियन फुल फॉर्म क्या हुई थी? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। और इसका फॉर्मेशन क्या है? 8 अगस्त 1967 को। और इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया में। दोस्तों एक मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर बता दूं कि जो जकार्ता है वह दुनिया की सबसे डूबती हुई शहर बन गई है, इसलिए इंडोनेशिया ने अब तय किया है कि वह जकार्ता को अपनी कैपिटल से चेंज करेगा और किसी और को बनाएगा। ठीक है दोस्तों एशियन से संबंधित एक और चीज बता दूं कि एशियन की फंक्शन क्या होती है। एशियन साउथ एशियन कंट्रीज में शांति स्थिरता तथा आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति को बढ़ावा देने से काम होता है। और इसे करेंट टाइम पे हेड है कौन है? इसे करेंट टाइम पे हेड हैं लिम जॉक होए। कौन? लिम जॉक होए। ये कहाँ के हैं? ब्रुनेई के हैं। ब्रुनेई एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एशियन टेनिस प्रोफेशनल। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? सितंबर 1972 को। ठीक है ये क्या करता है कि जो भी एशिया में टेनिस होता है उसका संचालन यही करता है, इसका उससे संबंधित जो भी छोटे मोटे कार्य हैं उसके ईसी के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएमएफ। आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 27 दिसंबर 1945 को। ये थोड़ा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। वो कहाँ है? यूएसए में। दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछता है कि वाशिंगटन डीसी में डीसी की फुल फॉर्म क्या है, तो डीसी की फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं, वो यह है कि इस वीडियो में हम 30+ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन मिस हो गई है और मैंने इस वीडियो में नहीं बताई है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, क्योंकि अगली किसी वीडियो में मैं उसे कवर कर दूंगा। वैसे मुझे लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट वीडियो छूटी ऑर्गेनाइजेशन छूटी नहीं है, लेकिन अगर छूटी हुई तो मुझे ज़रूर बताइएगा। एक चीज़ और कि जो बच्चे नोट्स बनाते हैं कॉपी में लिखते हैं उन्हें अच्छा लगता है या फिर अपनी याद करने के लिए लिखते हैं, उनके लिए मैंने इस इंफॉर्मेशन की PDF दे दी है कहाँ पर? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाकर चेक जरूर करें। ओके तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा G20। G20 क्या है? ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज।
इसमें ग्रुप ऑफ 20 है, लेकिन इसमें 20 कंट्रीज नहीं है। इसमें कितनी कंट्रीज हैं? 19 कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? 26 सितंबर 1999 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ढाका बांग्लादेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? IAEA, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 29 जुलाई 1957 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑस्ट्रिया वियना में। दोस्तों IAEA से एक इन्फॉर्मेशन बता दूं मैं आपको, जो क्या है कि इसकी फंक्शन क्या है। इसकी फंक्शन ये है, टू इनकरेज एंड असिस्ट रिसर्च डेवलपमेंट एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एटॉमिक एनर्जी फॉर पीसफुल यूज। इसे आप नोट कर सकते हैं या फिर अगर याद हो गया तो अच्छी बात है, समझ लिया तो भी अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? 6 जून 1997 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ढाका बांग्लादेश में। इससे पहले किसकी जो हेडक्वार्टर थी वो भी ढाका बांग्लादेश में थी? G20 की। और ये बिम्स्टेक से एक इन्फॉर्मेशन बता दूं मैं आपको, इसके हेड कौन है? इसके करेंट टाइम पे हेड हैं Maithri Palasirisen। दोस्तों अगर कोई ये वीडियो बाद में देख रहा है तो वो ये नहीं समझे कि यही हमेशा रहेंगे, क्योंकि चेंज होते रहते हैं, तो आप रेगुलरली नेट पे चेक करते रहें। और इसकी फंक्शन क्या है बिम्स्टेक की? सदस्य देशों में आर्थिक एवं सामाजिक विकास को बढ़ावा देना, एक हितों के मुद्दों पर समन्वय स्थापित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन SCO। SCO फुल फॉर्म क्या है? संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? 2001 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग। याद रख सकते हैं क्योंकि संघाई चाइना में है, तो संघाई नहीं होगा लेकिन बीजिंग होगा, ये याद रखेंगे। कई बार ऑप्शन नहीं देता संघाई हेडक्वार्टर में, तो संघाई नहीं क्या है? बीजिंग है। ठीक है, और इस समय SCO का हेड कौन है? राशिद अलीमोव। कौन है? राशिद अली मो। कहाँ के हैं? ताजिकिस्तान के हैं। ताजिकिस्तान एक नेशन है, याद होगा, पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? नाटो। नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। नाटो से संबंधित इन्फॉर्मेशन बता दो। नाटो जैसे इसके फुल फॉर्म से उतनी इसकी फंक्शन क्लियर नहीं हो रही है, इसलिए मैं इसकी फंक्शन बता दूं। नाटो के तहत सदस्य से राज्यों हमला की स्थिति में सहयोग के लिए सहमत होंगे। इसमें जो सदस्य कंट्रीज होती हैं, अगर कोई किसी देश पे हमला होता है तो जो अदर सदस्य कंट्री होती हैं वो एक दूसरे को कॉरपोरेट करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सार्क। सार्क भी इंपॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। सार्क का फॉर्मेशन कब हुआ था? 8 दिसंबर 1985 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? UNDP। UNDP UN का है तो इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? 22 नवंबर 1965 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क USA में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? WTO। WTO फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओपेक। दोस्तों ओपेक से पहले मैं एक चीज बता दूं कि UNDP के इस समय करेंट टाइम पे हेड कौन है? कई बार एग्जाम में पूछता है, अभी को याद आया है, कौन है इस समय? आशिम स्टीनर। कौन? आसिम स्टीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ओपेक। ओपेक का फॉर्मेशन कब हुआ था? 14 सितंबर 1960 को। फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। O से है P, O से है P से है और E से है और C से है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना ऑस्ट्रिया में। ओपेक का फंक्शन क्या होता है? मेंबर कंट्रीज के बीच पेट्रोलियम पॉलिसीज को कोऑर्डिनेट एंड यूनिफाई करना। ठीक है ना,
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ILO, ILO का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मेशन कब हुआ था, 29 अक्टूबर 1990 को, और हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। दोस्तों ILO की फंक्शन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसका फंक्शन ये है, यह संस्था अंतर्राष्ट्रीय लेबर पर मानव श्रमिकों को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से संरक्षित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है इसका, ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और इसे किस नाम से जानते हैं, वर्ल्ड कोर्ट के नाम से भी जानते हैं। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 26 जून 1945 को। इसका हेडक्वार्टर का हैग सिटी ऑफ नीदरलैंड, और ठीक है ये इसका क्योंकि फुल फॉर्म वही है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और ICJ के समय करेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है, अब्दुल कावी यूसुफ, कौन, अब्दुल कावी यूसुफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, WWF, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 29 अप्रैल 1961। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में, और इसका फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ये वो रेसलिंग वाला नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है, इसका फुल सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है ये इसकी फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाडा, वाडा फुल फॉर्म क्या, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, 10 नवंबर 1999 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मॉन्ट्रियल कनाडा। दोस्तों यहाँ पे एक शब्द आया है डोपिंग, डोपिंग का मतलब क्या होता है कि नशीली दवा का सेवन। ये काम करती है कि जो भी एथलीट्स होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, किसी भी खेल से हों, वो इंटरनेशनल लेवल पे ये सर्च करती है कि किसी ने इस नशीली दवा का सेवन तो नहीं किया, अगर कोई इसमें किया पाया जाता है तो उसे कुछ दिन के लिए बैंड या सस्पेंड किया जाता है। और नेक्स्ट क्या है, नाडा, नाडा भी से संबंधित है, क्या है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, या इंडिया की यही काम, सेम टू सेम काम यह इंडिया लेवल पे करती है। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, 24 नवंबर 2005 को। हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने जाना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, उनके मुख्यालय, उनका फुल फॉर्म, फॉर्मेशन, कुछ के फंक्शन, कुछ के हेड, और जितने भी जरूरी इंफॉर्मेशन थी मैंने आपको दी है। तो दोस्तों अब हम कुछ प्रश्न देंगे, जो कि आपको 3 प्रश्न देंगे, जिसका आंसर आपको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, ADB एवं SAR के बीच अंतर, इसको आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाटो के हेड कौन है, करेंट हेड, और ओपेक के हेड कौन है। तो ये 3 क्वेश्चन है, आपको देना है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, और जो भी कमेंट बॉक्स में सही आंसर देगा मैं उसके कमेंट को लाइक करूंगा, ठीक है। और इसका जो भी आंसर है मैं अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में जरूर दूंगा। तो तब तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।